नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो पद सभा आरंभ हुआ है, मैं इस मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान बाप्पा मंडल, 3 नंबर मंडल के अध्यक्ष तरुण पाल, यहाँ मौजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के उल्टी विधानसभा कन्वेनर पंकज भाई, को कन्वेनर मनोज भाई, उल्टी विधानसभा बीजेपी के कन्वेनर बड़े भाई राजेश सिन्हा जी, ललन भाई, विजेदा शंकर यादव, रवि, जितने लोग को मैं देख पा रहा हूँ, अगर किसी का मैं नाम भूला हूँ तो मुझे आशीर्वाद करिएगा कि अगले बार मैं ना भूलूं। मैं अपना वक्तव्य आरंभ कर रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और उसके साथी तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी का जमीन घिसकते जा रहा है। ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी जो चश्मा पहनता है, वो चश्मा का कीमत 25 लाख रुपया है, और ममता दीदी 30 रुपया का हवाई चप्पल पहन के बंगाल को बेवकूफ बना रही है। अभी आप देखे होंगे ममता बनर्जी का नया फॉर्मूला, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जिनको पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू माँ बहने एक पत्र लिखती है कि पाकिस्तान में पीओके से उसे भारत में मिला लिया जाए। उस प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी जब बंगाल आती है तो उसे बाहरी बोलती है, बहिरा को तो बोलती है, और वो अमित शाह जी जिन्होंने कश्मीर में हमारे हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को आजादी दिया, वो अमित शाह जी को बाहरी बोलती है। मगर जब बांग्लादेश के एक क्रिकेटर और जब महाराष्ट्र के शाहरुख खान बंगाल में आते हैं तो वो ममता बनर्जी का जमाई बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल आते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन देख 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 देख, पुलिस प्रशासन देख 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 कर, पुलिस प्रशासन देख 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 कर, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, बीजेपी के बीजेपी के जो प्रदर्शन कर रही है, ये जो एजिटेशन है, ये पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सिस्टमेटिक लूट को जन्म दिया गया है, और इसका शिकार हमारा कुलटी विधानसभा भी हुआ है। औद्योगिक उन्नति को बाधित किया गया, किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। आज हमारा युवा बाध्य है अपना घर बार छोड़ के बाहर जाके काम करने के लिए। युवाओं के भविष्य को कुचलते जिस तरीके से कुचला गया है, उनके अधिकार को जिस तरीके से मसल दिया गया है, युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अपने युवाओं के साथ, अपने कुलटी विधानसभा के सारे युवाओं के साथ खड़ी है, और उनकी आवाज़ को बनकर आज हम यहाँ पे प्रतिरोध करने आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन को इस बात को समझना होगा, और हम इस बात को आज उनसे समझा के भी जाएंगे कि जहाँ भी युवाओं के लिए अन्याय हो रहा है और जिस तरीके से लूट खसोट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस चीज़ को बंद करना होगा, और उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ी है, और लगातार इस तरीके अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम आगे भी इस तरीके से लगातार अपना प्रदर्शन जारी करेंगे।